मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर ई राघवेंद्र राव को 15 जून की उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। सीएम बघेल ने स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि राव अपनी अद्भुत प्रतिभा और राजनीतिक सूझबूझ के कारण लोकप्रिय थे। श्री राव ने मध्य प्रांत में किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कार्य किए। मध्य भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। भारतीयों के अधिकारों के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। श्री बघेल ने कहा कि देश की आजादी के लिए डॉक्टर राव जैसे कर्मवीरों का कठिन संघर्ष आज भी हमें कठिन परिस्थितियों से उबरने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। सीएम शिवराज ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और देर रात भोपाल वापस लौटे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री देर शाम भोपाल से दिल्ली गए थे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रदेश के विकास कानून और व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने शाह से विभिन्न मुद्दों पर स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पहले परिस्थितियां अलग थी और आज बदल गई हैं। आज हम सत्ता में हैं, बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं और हम सरकार तो बना लेंगे लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिन के प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे, जहां शहर के सिंधु भवन में आयोजित लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर व्यापारियों को भाजपा शासन काल में हुए फायदों को भी गिनवाया गया। उनके साथ व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद बाफना के साथ जिले के भाजपा के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जनसंपर्क महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम भी है, जहाँ हम व्यापारियों से पूरे प्रदेश में सीधी बातचीत करते हैं और व्यापार का असर स्टेट की इकोनॉमी में कैसा पड़ता है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के ज़्यादा काम होंगे, जैसे जैसे व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा छत्तीसगढ़ का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आमदनी यदि बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार सौदे से गई है, मुझे प्रशासन बदलना था, बहुत सारे अधिकारियों में चर्बी चढ़ी हुई थी। मैंने जब किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही तब वो तैयार नहीं थे, उस समय मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था लेकिन मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता था। छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल देखने आए तेलंगाना के किसानों ने छत्तीसगढ़ में संचालित किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं को सराहा। तेलंगाना के विभिन्न राज्यों से आए 500 किसानों ने राजनांदगांव और दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही किसान हितैषी योजनाओं का अवलोकन करने के बाद आज सवेरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर प्रदेश के मुखिया बघेल से अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए तेलंगाना से आए किसान प्रतिनिधियों ने पारंपरिक वस्त्र गोंगड़ी पहनकर और बैलगाड़ी का मॉडल भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। छत्तीसगढ़ की ही दो होनहार क्रिकेटर यशी पांडे और शिवी पांडे ने स्टेट क्रिकेट संघ छोड़ दिया है। अब दोनों बहनें दूसरे राज्य से खेलकर अपने भविष्य की तलाश कर रही हैं। यही वजह है कि उन्होंने स्टेट क्रिकेट संघ से एनओसी ले ली है। हाल ही में हुए महिला प्रीमियर लीग के लिए छत्तीसगढ़ की 30 क्रिकेटर्स में इन दोनों बहनों ने बेस प्राइज के लिए अपनी जगह बना ली थी, हालांकि टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। शिवी और यशी पांडे सगी बहनें हैं जिन्होंने महिला क्रिकेट को ऊंचाई पर ले जाकर इतिहास रचा है। शाजापुर में हुए सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई। कृषि उपज मंडी में पास के शहरी हाईवे पर हुए हादसे की खबर सुनते ही शहर का माहौल गमगीन हो गया। घटना के बाद दो युवक अरहम और रहबर का एक साथ जनाजा उठा तो हर कोई गमगीन हो उठा। दरअसल इन दोनों युवकों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि यह जहां भी जाते थे साथ जाते थे। परिजन तो यहां तक कहना था कि एक दूसरे से मिले बिना खाना तक नहीं खाते। मॉनसून की एंट्री से पहले मध्य प्रदेश में दिन और रातें दोनों ही तप रही हैं। जून में खजुराहो में दिन का पारा 45 डिग्री का आंकड़ा छू रहा है, जबकि दतिया, दमोह, टीकमगढ़, उमरिया, रीवा, नौगांव और ग्वालियर की रातें सबसे गर्म हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 15 जून की रात में भी टेम्परेचर के बढ़ने का अनुमान लगाया है। खासकर टीकमगढ़, उमरिया में तापमान ज्यादा रहेगा। धार, बालाघाट और रतलाम में लू जैसी स्थिति है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में भी गर्म हवाएं चल रही हैं।